गोबर से कितना फर्क पड़ता है अभी आपको पता चल जाएगा, अगर ये जो काम करता है। 5 6 राम राम बालो, क्या हालचाल, स्वागत हो गया सबके एक और नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह मेरे आँखें बहुत बड़ा कीड़े ने काट लिया, ये देखो पूरी आँख सूज गई है, यहाँ से मेरी ये आँख दिख रही है पूरी, अब पूरी बम हो जाएगी बम। मतलब जो मधुमक्खी का छोटा सा जो कीड़ा होता है ना उनको टाटिया बोलते हैं, उसने काट लिया मेरे को। और भाई साहब सुबह से मैं, मेरे घर वाले ना मेरे को एडवाइस देते हैं कि लोहा फेर इसके ऊपर, लोहा फेर, वहाँ इसका गोबर लगा, गाय का गोबर लगा, कुछ भी लगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ जो कुछ होगा वो सूजेगा तो सूजेगा है, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और घर की एडवाइस दे रहे तो लगा लेते हैं। लगाऊ बचा गोबर, लगाऊ बांस को, माता राम बोल रही है लगा गोबर, तो बांस का गोबर, गाय का गोबर, बांस का गोबर, गाय का गोबर लगा, बांस का गोबर, बांस को पेंस का फोटा छोटी अपनी पार्टी को फोटो। चलो ठीक, ये रही अपनी छोटी सी भैंस का बछड़ा, ये बाड़ी है, इसका गोबर है। गाइस लोग बोलते हैं बहुत ही मतलब एंटीबायोटिक चीज़ें है। देखो यहाँ से कोने से सूज रही है ना पूरी आँख, ये देखो। तो अभी ये लगा रहा हूँ मैं, देखते हैं, मतलब अभी अभी मेरे को जस्ट काटा है उस कीड़े ने, और देखते हैं गोबर से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। गोबर से कितना फ़र्क पड़ता है अभी आपको पता चल जाएगा, अगर ये जो काम करता है तो मैं आपको अभी 101% बताऊँगा, क्योंकि मेरे को उसने काटा है कीड़े ने, छोटी मधुमक्खी के कीड़े ने काटा है, और उससे काफ़ी ज़्यादा आँख सूजने का खतरा रहता है। तो मैं आपको 101% बताऊँगा ये ट्रिक काम करती है नहीं करती है, आप वीडियो में बने रहिए। मेरे को ना कहीं पे भी जाऊँगा तो ऐसे रख के लेके जाऊँगा इसको, आधे घंटे के आसपास इसको रखना पड़ेगा मेरी आँख के ऊपर, तब जाके ये ट्रिक काम करती है। मैं लग कैसे रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना गाइस, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। हमारे चिड़ियों के लिए दोनों मटके, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी रहा है दोनों में, कल सुबह मैंने भरे थे लेकिन आज सुबह वापस खाली हो गए, इनको वापस भरना है। अभी भैंस के गोबर में जो मीथेन बायोगैस होती है, मतलब वो जो कीड़े पत्तों खाती है ना जंगल में जाती है, तो वो मीथेन प्लस बायोगैस का जो मिश्रण होता है उसकी वजह से ये काम करता है, और काम करेगा तो ऑब्वियसली आपको भी पता चल ही जाएगा। तो गाइस मैंने मतलब बहुत देर हो गई इसको लगा रखा है, और अब जाके मतलब इसको हटाने की बारी आ चुकी है, देखते हैं कैसा रहता है रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है मेरे को गाइस, यार वास्तव में ट्रिक काम करती है यार, मतलब मेरी जो आँख सूजन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा नम पड़ गई है, नम, आप रियलिटी देख लीजिए लिटरली, यार इतना फर्क पड़ता है क्या, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, मतलब रिलीफ मिलता है इस चीज़ से, वास्तव में काम करती है ट्रिक बिल्कुल। माता राम फर्क पड़ा मेरे, बहुत फर्क पड़ गया आँख में, एक नंबर ठीक होगी आँख कंप्लीट ठीक तो नहीं पण तो और लगा ना आज अब लोगो वाड़ला लोगो भी वरन हां अल्लाह लोगो हेड लगाना हां अल्लाह ही लगाया मैंने, लेकिन आज इंद्र बन जाए, हां बन जाए। गाइस एक और ट्रिक है ये वाली, मतलब इस ये लोका रहता है ना लोका, लोहा लोहा फेर लेते हैं, 7 बार फेरना पड़ता है, उसकी वजह से भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। 5 6 ये 7 बार फेर लिया मैंने, अब ये अंधविश्वास हो कुछ भी हो लेकिन मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला इस चीज़ से, भैंस के फोइटे से, मतलब भैंस के गोबर से काफ़ी उससे ज़्यादा रिलीफ मिला मेरे को, और मेरी आँख सूजने वाली थी पूरी लेकिन नहीं सूजी, इसका कारण यही है। गांव के लोगों के लिए बोलते हैं कि ये इससे ठीक नहीं होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ लिटरली सत्य है, इससे फर्क पड़ता है गाइस, जो आप हकीकत देख सकते हो, मुझे हकीकत में वो मधुमक्खी के काटे टाटे नहीं काटा था, और फर्क पड़ गया है, बहुत सारा फर्क पड़ गया है, और अब आँख सूझ भी नहीं रही है, और अच्छे से मेरे को मतलब फील आ रहा है गुड, तो इससे फर्क पड़ता है गाइस, एक तो भैंस के गोबर से और एक लोहे से, लोहे से कैसे फर्क पड़ता है मेरे को पता नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। अगर आपके साथ में ये होता है तो आप भी ट्राई करना, ठीक है, बेस्ट चीज है, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, इसमें इतना ही है, ठीक है, टेक केयर।